iPhone 15 Pro Max में काफी सारी इश्यूज थी, लाइक हीटिंग इशू, बैटरी इशू, स्क्रीन बर्निंग इशू एंड व्हाट नॉट, काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई। बट क्या आपको iPhone 15 Pro Max या 15 Pro को अभी कंसिडर करना चाहिए या फिर इसे एक दो मंथ और देना चाहिए मैच्योर होने के लिए एंड उसके बाद इसे परचेज करना चाहिए? सो हे गाइस, मैं अभिनव, आप देख रहे टिकट 6 एंड दिस इज 1 month रिव्यू ऑफ iPhone 15 Pro Max। सो iPhone 15 Pro Max को अभी मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें है जो मैंने नोटिस किया, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिसॉल्व हुई है कि नहीं। बिल्ड क्वालिटी गाइस काफी ज्यादा चेंज है इस बार। जो लोग आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स या 14 प्रो या प्रो मैक्स यूज करते हैं ना, तो उन्हें डेफिनेटली ये नोटिस होगा एंड वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे किस तरीके से आईफोन 15 प्रो मैक्स को बनाया गया है। इस बार टाइटेनियम दिया गया साइड में, यस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है बट गाइस फील के मामले में इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। एंड अगर मैं वेट की बात करूँ गाइस, मैं आईफोन 14 प्रो यूज कर रहा था इससे पहले, अगर मैं ऐसे कंपेयर करूंगा ना तो यस इसका वेट इससे थोड़ा सा ज्यादा है बट क्योंकि ये छोटा है तो ये थोड़ा डेंस लगता है एंड गाइस फील वाइज ये डेफिनेटली लाइट वेट लगता है एंड कंफर्टेबल तो काफी है। जैसे आईफोन 14 एंड 14 प्रो में आप देख सकते हो कैसा बॉक्सी डिजाइन था, तो थोड़ा सा लगता था एंड ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था टू बी ऑनेस्ट, बट क्योंकि मैं एप्पल फैन बॉय हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता था। बट यस आईफोन 15 प्रो मैक्स में ये इशू सॉल्व हो गई है एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड गाइस द नेक्स्ट बिग थिंग इज एक्शन बटन। तो यहाँ पे एप्पल ने जो एक्शन बटन इंट्रोड्यूस किया तो उसमें ना आप इसके एक्शन बटन वाले मेन्यू में जाके आप चेंज कर सकते हो लाइक कौन से आपको एक्शन रखना, या तो आप इसे साइलेंट कर पाओगे या आपको शॉर्टकट रन करा पाओगे एंड बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें एंड द यूआई इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई होप कि एप्पल अपने सारी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इस यूआई के हिसाब से करे तो भाई काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। बट यस मैंने यहाँ पे कुछ ट्वीक्स किए हैं, कुछ कस्टमाइजेशन किए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में रख के एक्शन बटन को दबाता हूं तो ये इसका डिफॉल्ट कैमरा ऑन कर देगा, अगर मैं फेस अप करके एक्शन बटन को दबाता हूं तो ये म्यूट या अनम्यूट कर देगा एंड अगर मैं लैंडस्केप में करके इसे खोलता हूं तो बेसिकली मैं आईफोन 15 प्रो से रिकॉर्ड करता हूं, जो भी करता हूं, अपना कंटेंट बनाता हूं प्रो मैक्स से, तो वो एक प्रोफेशनल ऐप है वो खुल जाता है कैमरा वाला, तो ये मैंने सेट करके रखा है एंड ये आप भी कर सकते हो, वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कैसे। बट मैंने यार एक्शन बटन का पूरा प्रोफेशनली एंड बिल्कुल रगड़ के इस्तेमाल किया है एंड जो जो कस्टमाइजेशन हो सकती थी ना मैंने कर रखा है, तो यस इसमें गाइस काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड ना सिर्फ मैं अकेले एक्शन बटन के लिए, यस बहुत लोगों को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि भाई आप अपग्रेड कर जाओ, बट गाइस एक्शन बटन इज अ बिग थिंग, तो ये चीज आप डेफिनेटली ध्यान में रखना। नाउ ऑल द डिस्प्ले की जो बेजल्स है वो डेफिनेटली नोटिसेबली कम किया है एप्पल ने, बट ये मुझे फील नहीं हो रहा है एंड आई बेट कि आपको भी फील नहीं होगा क्योंकि आप केस वगैरह लगा के यूज करोगे तो उसमें ना बेजल्स वैसे भी दिखते नहीं है, बड़ा हो छोटा हो, बहुत ज्यादा बड़ा होने से फर्क पड़ता है बट ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी तो है ही कमाल की, 2000 निट्स की ब्राइटनेस है एंड डिस्प्ले एप्पल की काफी कमाल की होती है, सैमसंग के पैनल्स यूज करते हैं, काफी कमाल का डिस्प्ले है, टच रिस्पॉन्स अच्छा है 120 हर्ट्ज एंड जो कलर कैलिब्रेशन है वो काफी कमाल का रहता है, तो डिस्प्ले में यहाँ पे इतने दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं है। एंड भाई बहुत लोग पूछते हैं ग्रीन लाइन इशू, तो ऐसा नहीं है यार ग्रीन लाइन इशू नहीं आती है, हाँ कोई कोई अनफॉर्चुनेट लोग है जिनके आ जाती है तो अगर आपकी वारंटी में है तो एप्पल उसे रिपेयर कर देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गाइस अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड 14 प्रो मैक्स का वैसे कंपैरिजन आएगा मेरे चैनल पे 2-3 दिनों में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट गाइस यहाँ पे जो है ना कंपैरिजन, अगर मैं जैसे टेस्ट कर रहा हूँ अभी तो कंपेयर करूँ ना तो 15 प्रो मैक्स की ना लाउडनेस एंड इसकी लाउडनेस काफ़ी सिमिलर है एंड एज सच कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है स्पीकर में, ऑलरेडी उसकी स्पीकर काफ़ी कमाल की थी तो 15 प्रो मैक्स की भी स्पीकर काफ़ी कमाल की है। कंटेंट कंज्यूम वगैरह करते हो काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, no problem in that, तो display तो definitely 10 on 10 है इसकी। And guys performance की बात करें तो भाई मैं ज़्यादा गेम नहीं करता हूँ बट क्योंकि टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे गेम खेलना पड़ता है। A17 Pro चिप है एंड बायोनिक इस बार नहीं दिया है, गाइस परफॉर्मेंस एकदम किलर है। अभी Google Pixel 8 Pro निकला है उससे तो काफी ज्यादा बेटर है, मैं इसके कंपटीशन की बात कर रहा हूँ एंड Samsung S23 से भी काफी बेटर परफॉर्मेंस है एंड जो प्रोसेसिंग होती है ना, मतलब जो इंटरनल प्रोसेसिंग है छोटी छोटी चीज की, वो आपको ना पता चलेगी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखता है एंड इसके चिप के सामने इसके कॉम्पिटिशन के जो चिप्स है प्रोसेसर है कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पे कुछ फैन बॉयज होंगे जो बोलेंगे कि भाई सैमसंग का S23 का प्रोसेसर अच्छा है नॉल, आई नो गाइस अच्छा प्रोसेसर है बट बहुत सारी चीज़ों में ना जब मैं आगे बात करूँगा तो उसमें एप्पल उसे पीछे छोड़ देता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
हीटिंग इशू, यस शुरू में इसमें हीटिंग इशू थी, बट जो एप्पल ने अपडेट लाया यार उसके बाद ड्रास्टिकली हीटिंग इशू सॉल्व हो गई है, एंड वो ना इसके चिप के कारण नहीं थी या टाइटेनियम बॉडी के कारण नहीं थी, तो डेफिनेटली वो चीज़ तो सॉल्व हो गई है, हीट अप गाइस नहीं करता है। इवन मैंने ना गूगल पिक्सल 8 प्रो, सैमसंग S23 अल्ट्रा, आईफोन 15 प्रो मैक्स, इन सब का बैटरी ड्रेन टेस्ट देखा था, तो उसमें उन्होंने वो कंटिन्यूसली 11 घंटे 12 घंटे ऑन करके रखते हैं, यूज करते हैं, तो गाइज उसमें ना S23, गूगल पिक्सल 8 प्रो ये सब ज्यादा हीट कर रहा था, तो मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ। एंड मुझे वैसे भी शुरू में थोड़ी हीटिंग इशू थी बट बहुत ज्यादा नहीं थी, एंड अभी तो हीटिंग इशू एकदम ही सॉल्व हो गई है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। यस गाइस, अगर थोड़ा हीट, जैसे आप गेम खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप 2-3 घंटे गेम खेलते हो ना तो हीट करेगा, तो वो जो थर्मल थ्रॉटल होता है ना वो बिल्कुल नहीं करता है। एंड इससे फायदा और क्या होता है ना, जैसे मैं 14 प्रो मैक्स एंड 14 प्रो में जब आउटडोर में कैमरा शूट करता था ना, थोड़े देर में ही ना इसकी ब्राइटनेस डिम हो जाती थी, इवन अगर मैं गेम भी खेल रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद ना इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली डिम हो जाती थी। एंड गाइस इस बार आईफोन 15 प्रो मैक्स में ये ड्रास्टिकली चेंज हुई है, ब्राइटनेस डिम नहीं करता है ये, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफ़ी कमाल की है, थर्मल थ्रॉटल नहीं करता है। तो अगर आप प्रो गेमर हो ना एंड आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। इसमें रे ट्रेसिंग वगैरह भी एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिसंबर तक में इसमें आपको प्ले स्टेशन वाली गेम्स मिल जाएगी, तो वो भी मैं टेस्ट करूंगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। काफ़ी कंटेंट आने वाला है अभी इसका कंपेरिजन गूगल पिक्सल 8 प्रो से, सैमसंग S23 अल्ट्रा से, एंड एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आएगा, जैसे मैंने 1 मंथ रिव्यू किया, 3 मंथ 2 मंथ अपडेट करते रहूंगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यस परफॉर्मेंस इज ग्रेट, एंड गाइस देयर इज वन मोर बिग थिंग, टाइप सी। लाइक ये ना बहुत लोगों के लिए मैटर नहीं करेगा आई नो, बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफर करते हो फोन से लैपटॉप्स में, तो गाइस टाइप सी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि टाइप सी रहेगा ना तो आपको एक ही केबल कैरी करने की ज़रूरत है, आपको 10 केबल की जरूरत नहीं है। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे, यस अगर आप टाइप सी डिस्प्ले में लगाते हो थंडरबोल्ट से तो वो कनेक्ट हो जाता है एंड डिस्प्ले वर्क करेगा, आप उसमें कंटेंट देख सकते हो। इवन मैं ना नेटफ्लिक्स देख रहा था, तो यस डिस्प्ले बहुत बड़ा है बट मैंने अपने डिस्प्ले को कनेक्ट किया एक्सटर्नल डिस्प्ले को, एंड उसमें मैंने प्रॉपर नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह देखा, तो वो काफ़ी सीमलेसली काम करता है। एंड कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट होगा, माउस कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ ही तो कनेक्ट होता ही है बट वायर से भी हो सकता है, गेमिंग कंसोल्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो टाइप सी आया, लेट आया बट काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। एंड इसमें आप एक्सटर्नल ड्राइव करके आप डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको इंटरनल ड्राइव में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक्सटर्नल ड्राइव में वो सेव होगा, तो ये भी काफ़ी गेम चेंजिंग है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ना आप प्रो रेस लॉग रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है, तो एक्सटर्नल ड्राइव रहेगा काफ़ी सिंपल हो जाएगा प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए, अगर आप नॉर्मल भी यूज़ करते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो। एंड यार प्रो रेस से मुझे याद आई, कैमरा की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे कैमरा के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, एंड सिर्फ 5x टेलीफोटो लेंस के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। इसका जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का है, बट एप्पल ने इस बार थोड़ा अलग किया है, इंस्पाइट ऑफ 12 मेगापिक्सल जो इसका डिफॉल्ट होता है अगर आप फोटो लेते हो, तो अब उसे ये चेंज करके 24 कर दिया है। एंड इसमें टू बी ऑनेस्ट मुझे ना 14 प्रो से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चला। यस 13 प्रो से जब मैंने कंपेयर किया था गाइस, तो डेफिनेटली मुझे डिफरेंस थोड़ा पता चला था, बट गाइस 14 प्रो से या 14 प्रो मैक्स से डिफरेंस पता नहीं चला उसमें। यस अगर आप जूम करते हो ना तब आपको डिफरेंस पता चलेगा, थोड़ा डिटेल रहता है, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोग वैसा कुछ करते नहीं है, तो यस उसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा कलर इम्प्रूव किया है। एंड यहाँ पे ना अगर आप नॉर्मल फोटो लेते हो तो उसको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो पोर्ट्रेट में, ये गाइस मुझे सुपर यूजफुल चीज़ लगी है, क्योंकि अभी मैं ना नेपाल ट्रिप में गया था, कतर गया था, तो ये प्रॉब्लम मुझे हुई है। लाइक मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, तो अगर मैं किसी को बोल रहा था फोटो खींचने तो वो खींच रहे थे, एंड फिर मैं उसे बोल रहा था कि भाई पोर्ट्रेट में भी क्लिक कर दो, तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, बट अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ एंड काफी खुश भी हूँ कि ये फीचर इसमें आ गया। गाइस एक चीज जो बहुत रिव्यूअर बात नहीं करते हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा, इसमें ना अगर आप फोटो लेते हो ना, इसमें आपको डेप्थ का डेटा, लाइव फोटो सब चीज ये कैप्चर करता है। एंड गाइस उसके बाद भी सिर्फ 2-3 MB 4 MB का फोटो साइज होता है, एंड ये ना स्टोरेज पे आपके काफी इम्पैक्ट डालता है पॉजिटिवली। एंड अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करूँ, 8-8 MB 10-10 MB की भी फोटोज आती है उसमें, एंड
24 मेगापिक्सल है, इनके कंपटीशन अभी 12 मेगापिक्सल में ही है। तो ये देखने वाली चीज है, रेजोल्यूशन ज्यादा कर दिया है, मेगापिक्सल ज्यादा कर दिया है डिफॉल्ट, बट जो फोटो की साइज है वो काफी कम रहती है। एंड गाइस, फोटो की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, लाइट कंट्रोल काफी अच्छा करके रखता है, HDR काफी अच्छा करके रखता है मेन कैमरा में। एंड गाइस, वहीं पे मैं बात करूं मैक्रो लेंस की, तो गाइस इसके मैक्रो लेंस जो मैंने काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, डेफिनेटली मुझे डिफरेंस लगी है 14 प्रो से, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा सामने आने से कभी कभी आउट ऑफ फोकस हो जाता था, बट 15 प्रो मैक्स में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी है। यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखो एक ना स्पाइडर का ये नेस्ट टाइप का था, मैं इसके अंदर उसके एग्स को देख पा रहा था, ये मुझे काफी इंप्रेसिव चीज लगी। एंड ये कलर एकदम जितना नेचुरल रहता है उतना नेचुरल रखने की कोशिश करता है, चेंज नहीं करता है। मेन सेंसर की बात करूं, अल्ट्रा वाइड की बात करूं, मैक्रो की बात करूं, सब में तो कंसिस्टेंसी में तो यार आईफोन को अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है। ऑल्सो गाइज, अब अगर बात करें द एलिफेंट इन द रूम की, विच इज 5x टेलीफोटो लेंस, गाइज दिस इज गेम चेंजर, एटलीस्ट फॉर मी, एंड आई नो बहुत लोगों के लिए ये होने वाला है। एंड स्पेशली अगर आप इसमें फोटो लेते हो तो जूम कैपेबिलिटी ज्यादा मिलती है, एंड अब बहुत सारे सिनेरियो में सैमसंग S23 अल्ट्रा को भी ये जूम में 10x में पीछे छोड़ देता है, ये इनसेन चीज है। एंड 5x में आप नॉर्मल फोटोज लेते हो, वीडियोज में 5x यूज कर रहे हो, सब चीज अच्छी है। एंड अगर आप एक्शन मोड यूज कर रहे हो एंड उसमें 5x यूज कर रहे हो, सिनेमैटिक वीडियोस लेनी है, काफी कमाल की आती है। बट गाइज, मेरे लिए गेम चेंजर जो है, आई कैन बेट कि आप लोगों के लिए भी गेम चेंजर होगा, वो है इसका 5x का टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट मोड में। यस, आईफोन 14 प्रो में या 14 प्रो मैक्स में भी पोर्ट्रेट मोड्स काफी अच्छी आती थी, बट इसमें क्या थी ना, इसमें आपको 1x 2x एंड 3x देखने को मिलती थी, एंड फोटोज अच्छी आती थी, बट 3x में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती थी। बट गाइज, 15 प्रो मैक्स की बात करूँ तो बिल्कुल गेम चेंज हो चुकी है। 1x 2x तो इसमें है, बट 3x हटा के अब इन्होंने 5x कर दिया है। एंड गाइस, 1x 2x में तो डेफिनेटली काफी अच्छी फोटोज आती है, इनकी कंपटीशन से भी अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो गाइस एज डिटेक्शन काफी कमाल का है इस साल, खासकर आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स की। इवन जो सिंगल हेयर ग्रेन है ना, उसे भी डिटेक्ट करता है, काफी अच्छी चीज है। बट गाइस, 5x में अगर आप स्विच करते हो पोर्ट्रेट मोड में, फोटोज क्लिक करोगे तो भाई आपको बिल्कुल लगेगा आपने DSLR से ले रखा है, इतनी कमाल की आती है। जब मैंने पहली बार देखा ना, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, मैं थोड़ा शॉक्ड था कि कैसे, बट काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया है इस बार एप्पल ने 5x लेंस को पोर्ट्रेट मोड में, खासकर मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा। तो गाइस, ये तो थी आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स की प्रोस। बट गाइस, अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे कॉन्स है डेफिनेटली, सारे फोन्स में होते हैं। गाइज, इसका जो फ्रंट कैमरा है ना, जैसे मिस्टर हुज़ द बॉस ने कहा था कि जो सेल्फीज होती है वो काफ़ी इंटीमेट होती है किसी भी पर्सन के लिए, किसी के लिए भी। तो गाइज, सेल्फी तो डेफिनेटली अगर आप आईफोन से लेते हो तो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता है, अनलेस लाइक सैमसंग जो काफ़ी प्रोसेस करता है एंड थोड़ा शार्पन भी थोड़ा मोड़ा कर देता है, एंड वो थोड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। बट इसमें क्या है ना कि इसमें बिल्कुल रॉ रखता है, कभी कभी ना बिल्कुल रॉ भी अच्छी नहीं लगती है यार, सब में डिफॉर्मिटीज होती है, सब में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सबके फेस में, तो उसमें थोड़ा सा अगर प्रोसेसिंग करके उसे थोड़ा ब्यूटीफुल लगाए तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको यहाँ पे सैंपल्स दिखाता हूँ, मैं स्टारबक्स गया हुआ था, वहाँ की जो लाइटिंग है वहाँ पे मैं फोटोज ले रहा था, तो गाइज मुझे इसकी सेल्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वहाँ पे इवन पोर्ट्रेट मोड भी पसंद नहीं आई मुझे, आईफोन 14 प्रो मैक्स की सेल्फी ज़्यादा अच्छी लगी वहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी है। बट उसके अलावा मुझे लो लाइट में मैंने ट्राई किया तो एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट मुझे स्टारबक्स की लाइटिंग में ना ये दिक्कत हुई। एंड वीडियोज की कैपेबिलिटीज में तो यार आईफोन पे कभी डाउट मत करना, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मैंने 13 प्रो प्रो मैक्स यूज किया, फिर मैंने यहाँ पे अभी 15 प्रो प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, उससे पहले मैं 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा था। तो गाइज, मैं अपने चैनल की ऑलमोस्ट सारी वीडियोज ना आईफोन से ही बनाता हूँ एंड काफी कमाल की आती है। बट यस, सेंसी में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पिछले साल से खास करना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऑल्सो गाइज, 5x इसके लिए प्रो तो है बट कॉन्स में भी आता है। गाइज, अगर आप 5x में नॉर्मल फोटो भी लेते हो या पोर्ट्रेट में भी ले रहे हो तो आपको काफी पीछे जाना पड़ता है, एंड ये कभी कभी एनॉय लग सकता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है एंड कभी कभी एनॉय लगता है, तो ये एक चीज ध्यान रखना चाहिए, अगर आप 5x में ले रहे हो तो आपको ना काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, तो आपको लगेगा यार छोड़ो 5x में कौन ही लेगा। गाइस, टाइटेनियम दे रखा है, लाइट वेट है, पकड़ने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बट इसके कुछ कुछ कॉन्स भी है।
सबसे पहला कौन सा, ये ब्रेकेबल है, लाइक बहुत जल्दी ये टूट सकता है, टाइटेनियम की वजह से नहीं बट इसके जो कर्व डिजाइन है उसकी वजह से, एंड क्योंकि एप्पल ने इसे रिपेयरेबल बना दिया है, पहले $500 लगती थी, अब सिर्फ $150 में इसका ग्लास रिपेयर होगा, एंड कॉम्पोनेंट जो है ना वो ग्लास से अटैच नहीं करके रखा है, ये एक रीजन है जो ये ब्रेकेबल बनता है। एंड मैंने तो यार काफी संभाल के यूज किया, एंड मैं बिना केस का यूज ही नहीं करता हूँ, एंड यहाँ पे ना मैंने स्पाइजन की केस लगा के रखी है, काफी कमाल की है गाइस, इसका लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके चेकआउट करना, वन ऑफ दी बेस्ट केस है, मैगसेफ केस, एंड इसकी जो मैग्नेट्स है ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वैसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ये बस मैं शेयर करना चाहता था। ऑल्सो इसके जो टाइटेनियम है जैसे मैंने ब्लैक में लिया हुआ है, तो इसमें ना यहाँ जो स्क्रैचेस हैं बहुत जल्दी आएंगे, हालांकि जब मैं शोरूम गया था वहां पे मैंने प्रॉपर ना अपने नेल से स्क्रैच करके देखा, बट वो स्क्रैच नहीं हुआ, आपके नेल से तो इतने जल्दी नहीं होगा, बट अगर ये गिरता है तो यस स्क्रैच हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ अगर आप लेते हो तो नेचुरल टाइटेनियम लेना, अगर आपको पसंद आता है, एंड अगर आप ब्लैक लेते हो या ब्लू लेते हो तो भाई मेरी तरह केस लगाओ एंड केस के साथ यूज करना। तो चार्जिंग के टाइम हीटिंग मैंने देखी है, उसके अलावा अब कोई हीटिंग इशू नहीं है, एंड ये ना लॉन्ग टर्म में बैटरी को डिग्रेड कर सकता है, देखेंगे यार 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर में कैसा इसका बैटरी डिग्रेडेशन रहता है। एंड उसके लिए अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना ताकि इसका रिव्यूज आप आगे या कंपेरिजन देख पाओ। ऑल्सो गाइज यहाँ पे जो स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिलती है मैं आपको बता देता हूँ कि 5 से 6 घंटे लाइक अगर मैं यूज कर रहा हूँ हैवी, जैसे मैं वीडियो शूट भी करता हूँ ना, तो 5 से 6 घंटे मिल रही है। एंड गाइज ये 5 से 6 घंटे स्क्रीन ऑन प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं चार्ज करता हूं तो 90% तक करता हूं, एंड जब ये लो होती है तो मैं 25% या 30% में से चार्ज में लगा देता हूं, तो आप 30% से भी मान के चलते हो ना 30 to 90, ये 60% के बीच का मैं स्क्रीन ऑन टाइम बता रहा हूं 5 से 6 घंटे, तो अगर आप प्रॉपर देखोगे तो ये यार 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे बैटरी टेस्ट में मैंने देखा 11 11 घंटे तक ये चला है। तो गाइस डेफिनेटली बैटरी बैकअप अच्छी है, बट अगर आपको बहुत अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए देन 15+ की इससे भी अच्छी है। वैसे तो जो भी ये शॉर्टकट मैंने यूज किया था मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, डायरेक्ट वहां से जाके इंस्टॉल करोगे तो आपको इतना झमेला नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा जहां से मैंने देख के किया, तो वो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे कि कैसे आप इसके एक्शन बटन को और यूजफुल बना सकते हो। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, क्या आपको iPhone 15 Pro Max में स्विच करना चाहिए? देखो यार अगर आपके पास iPhone 13 Pro Max है, आई नो बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्विच करने की जरूरत नहीं है, बट गाइस ट्रस्ट मी आपको स्विच करना चाहिए। iPhone 13 Pro Max 13 Pro है ना, स्विच करो 15 Pro Max में। अगर आपके पास यस 14 Pro या 14 Pro Max है देन आई वुड से कि जरूरत नहीं है स्विच करने की, 1 साल और रुक जाओ या 2 साल और रुक जाओ उसके बाद लेना, क्योंकि ये काफ़ी केपेबल डिवाइस है एंड ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यस अगर आपको लगता है कि आपको नीड है टाइप सी की डेफिनेटली स्विच करो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो आप 14 Pro में या 14 Pro Max में हो तो आपको स्विच करना नहीं बनता है। बट गाइस अगर आप 13 Pro या उससे पहले का भी जो मॉडल यूज़ कर रहे हो ना, डेफिनेट गाइज वर्थ इट रहेगा, एटलीस्ट मेरे लिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये आपका डिसीजन है। बाकी आप बताओ यार आपको ये रिव्यू कैसी लगी, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, एंड कुछ भी सवाल है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज फिर से याद दिला दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अभी 13 Pro Max एंड 14 Pro Max के साथ भी इसका कंपेरिजन आने वाला है। इंस्टाग्राम में ट्विटर में फॉलो कर लो, वहां पे मैं रेगुलरली इसका अपडेट देता रहूंगा कैसा चल रहा है, बैटरी बैकअप कैसी है। वीडियो यहां तक देख लिया है, अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, मिलते हैं अगले वीडियो में।